सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे निज भाषा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखा हुआ, पर उसके पहले हम सुविचार देखेंगे। मातृभाषा की उन्नति में ही अपनी उन्नति है, अर्थात हमारी जो भी मातृभाषा है, अगर हम उस मातृभाषा का हमेशा उपयोग करते हैं और अपनी मातृभाषा से ही जब हम दूसरों से बात करते हैं तो उसकी उन्नति में ही हमारी उन्नति है, उन्नति यानी प्रगति। और इस कविता में कवि ने इसी बात पर जोर दिया है। तो पहले हम पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ भाग थोड़ा याद करेंगे। मैं एक बार फिर से कविता का वाचन करूंगी, आप लोग ध्यान से सुनिए, पेंसिल हाथ में लीजिए, कॉपी होगी तो कॉपी में लिखिए, जिसके पास किताब नहीं है और जिसके पास किताब है वो किताब में देखिए। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। अर्थात यहाँ पे बताया है कि अपनी भाषा की उन्नति में ही अपनी उन्नति है और वही हमारे प्रगति का मूल है। अगर हमें अपनी भाषा का संपूर्ण ज्ञान नहीं है तो हृदय में कहीं ना कहीं एक असक होती है, शूल यानी कांटा सा चुभता है हमें कि हमें अपनी भाषा का क्यों ज्ञान नहीं है। हमें अपनी भाषा का संपूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुत होल प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। आज के युग की मांग क्या है? अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, पर वह ज्ञान होने से हम विद्वान हो जाएंगे ऐसा नहीं है। हमें वह ज्ञान सीखना है, क्यों? क्योंकि हमें उसमें चतुर बनना है, प्रवीण बनना है। पर अगर हमें हमारी भाषा का ज्ञान नहीं है तो हम हीन के हीन रह जाएंगे, अर्थात हम दीन गरीब के जैसे हो जाएंगे, क्योंकि हमें अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है। उन्नति पूरी है तब ही जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूड सब कोए। अब यहाँ कहा गया है कि उन्नति होना चाहिए, पर अगर घर का सिर्फ एक ही सदस्य पढ़ा लिखा है तो वह घर उन्नति वाला नहीं माना जाता है, क्योंकि जब तक घर के प्रत्येक सदस्य पढ़े लिखे नहीं हो तो वह उन्नत विचारधारा वाले भी नहीं हो सकते। यानी घर का मुखिया अगर पढ़ा लिखा है तो बाकी पढ़े लिखे नहीं है तो वह उन्नति वाला घर नहीं कहा जाएगा। यह इसलिए कहा गया कि पहले के समय में देखिए आप लोग कि घर का जो सिर्फ मुखिया होता था, वह पढ़ा लिखा होता था, वह सारे ज्ञान से संपन्न होता था, पर जो घर के बच्चे होते थे, सुविधा होने के अनुसार वह गांव में पढ़ते थे, पर गांव के बाहर अगर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता था तो उनकी पढ़ाई रोक ली जाती थी। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि सिर्फ घर का एक सदस्य नहीं तो घर का प्रत्येक सदस्य पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसे अपनी भाषा का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। निज भाषा उन्नति बिना कबहु न हवे है सोय, लाख उपाय अनेक योग भले करे किन कोय। यहाँ कहा गया है कि अगर निज भाषा की उन्नति नहीं होती है तो कुछ भी संभव नहीं है, कोई भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। लाख उपाय अनेक योग भले करे किन कोय, अगर हम कितना भी प्रयत्न करें, कितनी भी कोशिश करें, पर अगर हम अपनी भाषा को बोल नहीं सकते, हम अपनी भाषा का ज्ञान का प्रसार नहीं कर सकते तो मनुष्य जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता, वह मूर्ख बनकर रह जाता है। अब हम आज का आगे का भाग देखेंगे। एक भाषा एक जीव, एक मति सब घर के लोग, तबे भनत है सबन सो मिटत मूढ़ता सो। अब यहाँ पे एक यानी एक, मति यानी बुद्धि, घर यानी सदन, पर यहाँ पे देश के लिए कहा गया है, तबे यानी तभी, बनत है यानी बनती है, सबन सो सभी को, मिटत मिटता, मूर्खता यानी मूर्खता अज्ञानता। इसके पहले वाले कविता की पंक्ति में क्या आया था? मूढ़, वह मूल शब्द है, इसको ता यह प्रत्यय लगा हुआ है, इसी प्रकार से मूर्खता और अज्ञानता, इसमें भी ता यह दोनों जगह पे क्या लगा है? प्रत्यय लगा हुआ है। शोक यानी शोक और अति यानी अधिक। तो ये खड़ी बोली वाली भाषा है, इसमें थोड़ी कठिन है, आपको शब्दार्थ दिए जा रहे हैं, शब्दार्थ आपको कॉपी में जरूर लिखना है, तभी आप शब्दों को एकत्र करके उसका अर्थ अच्छे से समझ कर लिख सकोगे। अब यहाँ कहा गया है कि एक भाषा एक जीव, एक मति सब घर के लोग। अगर हम एक भाषा वाले बोलने के सदस्य, तो एक भाषा बोलने वाले सदस्य सारे संसार में, घर यानी यहाँ में कहा गया है देश,
तो सारे देश में अगर एक भाषा बोलने वाले व्यक्ति है तभी सब बात बन सकती है। मीर्ता मूर्ता सो, और तभी जो मूर्खता अज्ञानता है वो समाप्त होगी। कब? जब हम अपनी भाषा का प्रसार करेंगे। आगे, और एक अति लाभ यह, या में प्रगट लखान, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। बहुत अच्छा वाक्य कहा गया है यहाँ पे। पहले हम आगे देखेंगे शब्दार्थ। लाभ यानी फायदा, प्रगट यानी प्रकट करना, लखात यानी लिखा जाना, और विद्या यानी ज्ञान, और अति यानी अधिक। बहुत अच्छी पंक्ति है, आपको ध्यान में भी आएगी कि भाषा का महत्व क्यों होना चाहिए। एक अति लाभ यह भी है हमारी भाषा का प्रचार का कि यह बोलने में और प्रकट करने में हमारे लिए आसान होती है। और निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात, और जब हम अपनी भाषा में प्रचार प्रसार करते हैं तो इससे विद्या का भी ज्ञान का भी प्रचार और प्रसार होता है। समझ में आया? तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे।